अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 1000 प्रैक्टिकल आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपका अलकेमिस्ट आपके अपने चैनल और अलकेमिस्ट और फेसबुक पेज पे आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी फॉर्मुलेशन सोलर पैनल की क्लीनिंग केमिकल्स की है कि सोलर पैनल जैसे रूफ टॉप पे होते हैं, ओपन एरियाज़ में होते हैं, तो उस पर डस्ट वगैरह आ जाती है और फिर मॉइस्चर वगैरह पानी वगैरह लगने से वो उसके साथ स्टिकी हो जाती है। अब उसको कैसे साफ़ किया जा सकता है, कोई ऐसे सर्फेक्टेंट्स जो कि उसकी मेटलर्जी जो उसके साथ मेटल्स वगैरह होती हैं जो सर्किट्स हैं उसको भी डैमेज ना करें, जो उसकी प्लास्टिक्स वगैरह उसके साथ या रबड़ की जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनको भी डैमेज ना करें, तो वो एक ऐसी फॉर्मुलेशन इंशाल्लाह हम लेके आपके पास हाजिर हुए हैं। तो अब स्टेप वाइज आपको डेमोंस्ट्रेशन की तरफ लेके चलते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट कैसे मिक्स करने से सोलर पैनल जो है वो आप ख़ुद से क्लीन कर सकते हैं, आपको कोई बाहर से केमिकल इसके लिए परचेज करने की जरूरत। प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन की तरफ अब हम आते हैं। सबसे पहले हमने एक जो इंग्रेडिएंट है वो पानी है हमारा, ये 64.5% हम लेंगे। चूँकि हम 1 kg की फॉर्मुलेशन डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, तो 1 kg बेच है ये, तो इसमें 645 ml ये हमने पानी जो है वो मेजर करके रखा हुआ है। और ये डिस्टिल्ड वाटर, आरओ वाटर और इवन प्लेन वाटर जो कि लो TDS का हो, खारा ना हो, वो इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब जो इसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे सोडियम पर बोरेट जो है वो इसके अंदर 100 ग्राम वो डाल के इसको हम डिज़ाल्व करेंगे और ये आराम से ही डिज़ाल्व हो जाएगा इसके अंदर, इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। जी अब नेक्स्ट इसके अंदर 100 ग्राम सिट्रिक एसिड हमने डालना है, 100 ग्राम सिट्रिक एसिड इसको भी डिजॉल्व कर लेंगे। फास्फोरिक एसिड 100 ग्राम वो भी इसमें डाल लेंगे और इसके बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो जस्ट फॉर फॉर्मिंग पर्पस 5 ग्राम हम ये शैम्पू बेस भी इसमें डाल देंगे। ये हमारे वीडियो में बताते रहते हैं, ये शैम्पू बेस हमारा अपनी फॉर्मुलेशन में तैयार किया गया हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ये हमने इसमें डाल दिया। और जिन दोस्तों को ये शैम्पू बेस हमसे चाहिए हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर मेरा नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको हम इसकी बहुत कंपेटिटिव प्राइस में ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं अभी। जी ये फॉर्मुलेशन हमारी प्रिंसिपली अब कंप्लीट है और इसमें हमने 3 क्लीनर्स लगा दिए, सोडियम परबोरेट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और 2 एसिड्स हमने सिट्रिक एसिड और फास्फोरिक एसिड इसमें लगाया और फॉर्मिंग और क्लीनिंग के लिए सर्फेक्टेंट में शैम्पू बेस हमने डाल दिया। और अब प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसमें हमने ये 0.5% फॉर्मलिन ये इसमें हमने ऐड कर ली और अप्रोक्सीमेटली हम इसको भी ऐड कर लेते हैं। और अब इसमें जो कलर हम देना चाह रहे हैं, ये कलर ना भी दें दैट्स नो प्रॉब्लम, उसमें भी चल सकता है, लेकिन अपने उसके लिए थोड़ी आई कैचिंग इसको बनाने के लिए इसमें कलर भी दे देते हैं। और चूंकि हमने रेडिश कलर इसके अंदर दिया है, रोजमेरी रेड कलर दिया है, तो रोज़ फ्रेग्रेंस भी इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। और जस्ट अब ये प्रोडक्ट हमारा रेडी है और सोलर पैनल का प्रोडक्ट आपके सामने हमने फॉर्मुलेट कर लिया। एक बहुत सिंपल स्टेप्स और चीज़ें आपको सारी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दी कि कौन कौन सी चीज़ किस किस क्वांटिटी में डलेगी और उनके फंक्शंस क्या हैं वो भी एक्सप्लेन हो गया। और ये आजकल चूँकि जैसे
पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस हैं और लोग सोलर पैनल वगैरह लगा रहे हैं, तो अब सोलर पैनल की क्लीनिंग सिंपल पानी से करें, सिंपल सर्फ वॉशिंग पाउडर से करें तो वो क्लीन होता नहीं है, और जब तक सोलर पैनल की सरफेस क्लियर नहीं होगी तो उस वक्त तक आपकी जो रिक्वायर्ड जनरेशन है वो आपको मिलेगी नहीं, जो आपको एनर्जी चाहिए उससे, जो आपको बिजली उससे आपने बनानी है वो मिलेगी नहीं। तो उसके लिए एक बहुत कॉमनली अवेलेबल ये इंग्रेडिएंट आपके सामने हमने इनकी सिंपल सी ब्लेंडिंग की, सिंपल सी फॉर्मुलेशन की, इसको आप इंशाल्लाह अपने घर के अंदर अपने इस्तेमाल के लिए कमर्शियल फार्मूला है, कमर्शियली इसको प्रमोट करना चाहते हैं अपनी ब्रांडिंग के साथ, अपनी पैकिंग के साथ, तो इसको बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए और बिल्कुल इंशाल्लाह इससे सोलर पैनल को बिल्कुल कोई डैमेज नहीं होगा। उसकी सारी मेटलर्जी को देखते हुए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर सेलेक्ट किए हैं, ये छोटी सी फॉर्मुलेशन, और फिर इंशाल्लाह किसी और बिज़नेस आइडिया के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, और अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएं और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। KHZ केमिकल एम्पोरियम फार्मुलेशन एक्सपर्ट्स, लोकली फार्मुलेटेड शैम्पू बेस अवेलेबल एट बेस्ट प्राइस, अल्फा ओलिफेन सल्फोनेट शैम्पू बेस सेल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ फार्मुलेशन सीखें और कम सरमाया से बेहतरीन कारोबार करें। KHZ केमिकल एम्पोरियम, हमारे YouTube चैनल अल्केमिस्ट को लाजमी सब्सक्राइब करें। सजाद अहमद, B12, शाह फैसल चौक, खोसा गोट, मलेर कराची, कॉल 03004542034।